हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। मैं सागर ध्यानी आपके पास एक बार पुनः से हिंदी फॉर्म या हिंदी पीडीएफ के रूप में फॉरेस्टर से संबंधित वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी क्लास 9th तथा 10th साइंस से लिया गया है, जो कि आपका हिंदी में होगा। देखिए गाइस, कई स्टूडेंट्स का या कई भाई लोगों का, बहनों का कहना था कि जो वीडियोस आनी चाहिए वो हिंदी में आनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे दो दो सेशन अलग अलग चलते हैं, एक हिंदी वाला चलेगा और एक इंग्लिश वाला चलेगा। इंग्लिश वाले भी परेशान ना हो और हिंदी वाले भी परेशान ना हो, ये केवल आप सब के लिए है, आप सब का भला होना चाहिए, बस हम लोग यही चाहते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। साथ ही गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी हमारी वीडियो से छूता न रहे। तो चलिए गाइस, पार्ट नंबर 2 है हिंदी में कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वृक्क है, किडनी है, वो किस तंत्र का भाग है, किस तंत्र से संबंधित है। तो याद रखिए, किडनी जो संबंधित होती है वो आपके एक्सक्रेशंस या उत्सर्जन से संबंधित होती है। उत्सर्जन, किडनी उत्सर्जन से संबंधित होती है। यहीं पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्सर्जन की इकाई या वृक्क की इकाई क्या होती है। तो वहां पे आपका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। ऑप्शन में नेफ्रॉन मिलेगा, तो वहां पे आपको सही लगाना है। नेक्स्ट है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट्स में जल वहन के लिए, भोजन वहन के लिए, अमीनो एसिड्स के वहन के लिए या ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो देखिए, जाइलम एंड फ्लोएम, आप सभी परिचित हैं जाइलम और फ्लोएम से, कि जाइलम का जो मेन कार्य होता है प्लांट्स में, वो प्लांट्स के रूट के थ्रू एब्जॉर्ब वाटर को प्लांट्स के ऑल पार्ट्स तक क्या करना, उन्हें प्रोवाइड कराना ऑल पार्ट्स को। जबकि जो फ्लोएम होगा, उसका कार्य होगा लीव्स के थ्रू जो क्या बनता है आपका, एक कार्बनिक पदार्थ या भोजन बनता है, उसे प्लांट्स के ऑल पार्ट तक पहुंचाना। तो यहाँ पे जाइलम का जो वर्क होगा, जल का वहन होगा, ठीक है ना। फ्लोएम का होगा भोजन का वहन। नेक्स्ट है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण से ही सबके मन में एक चित्र आता होगा प्रकाश संश्लेषण का। तो देखिए, ये मेनली फोटोसिंथेसिस से पूछा हुआ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ही स्वपोषण होता है। तो इसमें क्या क्या जरूरी है, तो हम इसे सब जानते हैं कि पादप जब क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कैसे पादप, हरे पादप, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के अणु को लेकर के किसका निर्माण करते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ जो कि हमारा ग्लूकोज है, उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब क्या क्या कर कौन कौन क्या किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वहाँ, सूर्य के प्रकाश की, क्लोरोफिल की और इन दोनों की। तो यानी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यानी याद रखिए, जब पाइरूवेट का विखंडन होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट होते हैं, और इनका विखंडन होने से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। तो ये क्रिया कहाँ होती है, बोला कहाँ संपन्न होती है। तो देखिए, याद रखना, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होगी। इस क्रिया को हम क्रैब साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और कोशिका द्रव्य में होने वाली आपकी ग्लाइकोलिसिस होती है, याद रखना, ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये क्वेश्चन 2 टाइप से आता है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, और रिएक्शन घुमा फिरा के यही दे देगा। तो 2PbO प्लस C, ये कार्बन है, इक्वल टू लिख रहे हैं 2Pb प्लस CO2। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीजन, एक जगह तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, एक जगह ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। जहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, वो मान के चलिए ऑक्सीडेशन की फॉर्म, और जहाँ ह्रास हो रहा है, वो है आपका रिडक्शन, यानी कि आपका ऑक्सीकरण और अपचयन। तो यहाँ देखिए, सीसा अपचयित हो रहा है, तो बिल्कुल सीसा अपचयित हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, बिल्कुल इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन पूछा है आपका असत्य है, तो स्वाभाविक से जब 2 सही निकल गए, तो 2 असत्य होंगे। कार्बन अपचयित हो गया यहाँ पे, है ना, कार्बन अपचयित हो रहा है और लेड उपचयित हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा आ गया दिक्कत, गलत होगी टाइपिंग, यहाँ पे इसका हो जाएगा अपचयित और उपचयित, तो ये वाले दोनों गलत होंगे,
ठीक, सी और डी। लेकिन कभी कभी क्या दे देगा, सही कौन सा है तो ए और बी सही होगा। यदि क्वेश्चन होगा कि सत्य कौन सा है तो आपका ए और बी राइट आंसर होगा, असत्य होगा तो आपका सी और डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के Fe2O3 + 2Al, Fe2O3 + 2Al इक्वल टू Al2O3 + 2Fe। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए किस प्रकार की, बोले संयोजन है, विस्थापन है, वियोजन है या विस्थापन है। संयोग, वियोग यानी जुड़ना, टूटना, दो बार विस्थापन होना, एक बार विस्थापन। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन विस्थापित हो रहा है किसके द्वारा, एल्यूमिनियम के द्वारा। तो ये आपकी विस्थापन होगी, ये आपकी विस्थापित हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन को विस्थापित कर रहा है एल्यूमिनियम किसके, किससे, आयरन के साथ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया राइट होगी। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोहा चूर्ण पर यदि हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें तो क्या होगा? मान के चलिए ये आपका लोहा चूर्ण है, इसमें हमने HCl डाला तो क्या हुआ? तो आपका ये 2HCl कर लो इसे, ठीक। तो Fe और यहाँ पे 2 लगा लो, तो Fe2Cl2 कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा 2H। तो इस प्रकार से याद रखो कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं है पूछा है तो इनमें से कोई नहीं। देखिए जल का बन सकता है, कांच का बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी यहाँ मिट्टी का ऑप्शन दे देगा तो वो आपका राइट होगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो देखिए वस्तु की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो वस्तु की स्थिति आपकी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस दूरी के बीच होनी चाहिए। दर्पण के ध्रुव, ठीक हो गया ना, ये आपका मान के चलिए कोई दर्पण है और तो उसके ध्रुव, ठीक है ना, उसके ध्रुव, क्योंकि दर्पण और लेंस में थोड़ा सा अंतर है यहाँ मान के चलिए, तो उसके ध्रुव तथा मुख्य फोकस दूरी के बीच में होगा, ठीक। नेक्स्ट चलिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो देखिए कहाँ रखें पूछा गया है, तो फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर हमें रखना चाहिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आपके पास हम ऐसी लाते रहेंगे। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।